भगवान राम का ननिहाल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के लोग अपने भांजे का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। साई सरकार ने श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या जाने के लिए विशेष ट्रेन के लिए पर्यटन मंडल और IRCTC के बीच MOU किया है। राज्य सरकार और रेलवे के बीच करार तय हुआ है कि स्पेशल ट्रेन चलाकर छत्तीसगढ़ के लोगों को सुविधा रेलवे देगा। ऐसे में अब ननिहाल के लोग निर्बाध गति अयोध्या जा पाएंगे। लोकसभा से पहले इसे BJP का बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि MOU के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार और रेलवे के बीच करार में तय हुआ है कि श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक विशेष ट्रेन अब हर सप्ताह चलेगी। वासी अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने जाना चाहता है और चुनाव में मोदी जी ने और BJP ने ये गारंटी दी थी कि हम BJP की सरकार बनेगी तो रामलला अयोध्या दर्शन यात्रा हम प्रारंभ करेंगे, और आज उसके लिए रेलवे के उपक्रम के साथ में समझौता हुआ है और हर सप्ताह एक रैक छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना होगी। और सिर्फ अयोध्या नहीं, इसके साथ में बनारस के भी दर्शन करेंगे और संभव हुआ तो इलाहाबाद के भी डुबकी लगाएंगे। बता दें 12 कोच वाले इस ट्रेन में एक बार में छत्तीसगढ़ के करीब 850 श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या जा सकेंगे। इस विशेष ट्रेन का संचालन 5 मार्च से शुरू होने वाला है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की भी व्यवस्था रहेगी। डिप्टी CM अरुण साव ने कहा है कि हमारी सरकार बड़ी तेजी से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है। 2 महीने से कुछ अधिक की सरकार ने साबित किया है कि मोदी की एक एक गारंटी तन्मयता से, पूरी गंभीरता से, मजबूती से पूरी हो रही है। भगवान रामलला के दर्शन के लिए मोदी की गारंटी के रूप में हमने वादा किया था, वो रामलला के दर्शन का अभियान चल ही रहा है। लेकिन आज एक MOU करके निर्बाध गति से रामलला के दर्शन के लिए ट्रेनें जाएं, इसके लिए MOU हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने खुद छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला के दर्शन करवाने की बात कही थी। अब छत्तीसगढ़ की साई सरकार इसके लिए IRCTC से MOU करके इस काम को तेजी से पूरा करने जा रही है। लोकसभा से पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को रामलला का दर्शन कराने का यह फैसला BJP का बड़ा दाव माना जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसे में अब कांग्रेस इसके जवाब में किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।